हाय, मैं हूं जुएल। आप देख रहे हो टेक गाइड। आज की इस वीडियो में कुछ मज़ेदार टेक न्यूज़ लेके आया हूं। इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट जो न्यूज़ की आ रही है, पैनासोनिक एक नया वर्चुअल रियल असिस्टेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है एयरबो। तो पैनासोनिक का अब सब स्मार्टफोन पे इस असिस्टेंट आने वाला है। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ जो है इमोजीज 5.0, जो न्यू अपडेट आया है उस पे 137 इमोजीज नया अपडेट दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं अगला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नासा एक ऐसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जो ट्रेनिंग के लिए एआर और वीआर को मदद में ले सके, और जो ज़मीन पे ट्रेनर को अच्छी से ट्रेन करने में मदद आए, वहाँ की सभी चीज़ के इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट पर रहेगा। एआर और वीआर पहना के उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जो ये न्यूज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट नया सरफेस फ़ोन बनाने की कोशिश कर रहा है जो फोल्डेबल फ़ोन है। उसको बंद कर दो तो एक फ़ोन का काम आएगा, खोल दो तो टैबलेट हो जाएगा, लैपटॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो कब तक ये बना लेता है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है क्योंकि ये न्यूज़ एप्पल आई क्लाउड के बारे में है। एप्पल के आई क्लाउड हैक हो चुकी है, ऐसा दावा करता है टर्की क्राइम फैमिली नाम का एक हैकर ग्रुप। तो बोल रहा है उसकी डिमांड ये है कि उसे कुछ चाहिए बिटकॉइन, नहीं तो कुछ एप्पल के गिफ्ट्स कार्ड, नहीं तो वो 250 मिलियन के अकाउंट का डाटा लीक कर देगा। ऐसे कुछ बोल रहा है। इस सच की झूठ सही नहीं पता। तो आपका आई क्लाउड है तो आप सिक्योर कर लीजिए या इसका डाटा को डाउनलोड करके बैकअप कर लीजिए। अगला जो न्यूज़ है आधार eKYC प्रोसेस को लेके, मोबाइल सिम कार्ड्स के लिए तो टेलीकॉमर्स डिपार्टमेंट से ऑर्डर आ चुका है सभी सिम ऑपरेटर के लिए। जो सभी जितने भी नंबर है सब सब आधार कार्ड के साथ लिंक कराना है, और जितने भी न्यू सिम बिकेगा सब भी आधार कार्ड के थ्रू बिकेगी। खर्चा तो ज़्यादा होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। अगले न्यूज़ जियो प्राइम मेम्बरशिप के लिए है। जियो प्राइम मेंबरशिप जो 31 मार्च को डेडलाइन था, अब एक्सटेंडेड हो सकता है, अप्रैल पे भी जा सकता है। अप्रैल महीने को, क्योंकि जियो चाहता है 75% कस्टमर जियो प्राइम मेंबरशिप को एक्सेप्ट करे, तो इसीलिए एक्सटेंडेड हो सकता है। अप्रैल में भी आप रिचार्ज कर सकते हो शायद। तो अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ है डाटा वाइन की नया टैबलेट लॉन्च किया है। इसकी प्राइस है 5999। तो इसकी मॉडल नंबर क्या 4G मैक्स टैक्स जो भी है रहने देते हैं। इसका ऑफ़र जो है 1 ईयर्स की फ्री इंटरनेट रिलायंस की तरफ से। तो इस ध्यान से मत पढ़ना, ये जो इंटरनेट है वो सिर्फ सर्फिंग के लिए, एक सिलेक्टेड ब्राउज़र पे इसको सर्फिंग के लिए, ना स्ट्रीमिंग कर सकते हो ना डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो इस ध्यान से भी मत पढ़ना। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट पे। अगला अपडेट है BSNL की तरफ से। BSNL के धमाका ऑफर आया है, फ्री 1 GB डाटा 1 महीने के लिए। ये ऑफ़र किसके लिए है? जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते वो लोगों के लिए इस 1 GB फ्री 1 महीने का डाटा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ ये है कि हाई स्पीड फ्री वाईफाई जो गूगल की तरफ से दिया गया था 400 स्टेशन पे, और जो सब स्टेशन बहुत दूर है, रिमोट एरिया पे पड़ती है, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है जिसका नाम है रेलवे वायर साथी। तो इस पे आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो बढ़िया से एक लाइक देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दोस्तों के साथ करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब। तो ऐसी वीडियो मैं रोज़ाना लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।